good evening students so here i am back with your video that is use of joining words conjunction so as i have already told you during the class that i'll share the video so now i am going to explain you the use of some more joining words we have already done the use of if uh, sorry so and because or and but okay but now we are going to understand the use of some more joining words right okay that on page number 107 in your book one question is given for that you need to understand some more joining words but before that what is a joining word most of the students know right what is a joining word the words that join two words or sentences though jo words किसी दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं दोज वर्ड्स आर नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स एज द नेम इल्फ सजेस्ट दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स मीन्स जॉइन इंग यानी जॉइन करता है जो वर्ड उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं किसको को जॉइन करता है दैट इज टू वर्ड्स और सेंटेंसेस यानी दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू दिल्ली सो आई कैनॉट कम टूडे आई एम गोइंग टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ सो so, इसलिए आई कैन नॉट कम टूडे मैं नहीं आ सकता आज शी लिवस इन द कॉलोनी वेर माई ब्रदर ऑल्सो लिव्स वो उस कॉलोनी में रहती हैं जहाँ मेरा ब्रदर भी रहता है दैट मीन्स वो कॉलोनी में रहती है मेरा भाई भी रहता है वेर जहाँ हमने वेर से ज्वाइन कर दिया दोनों पार्ट्स को वी एव ज्वाइन यूजिंग वेयर सो वेयर इज द कंजंक्शन वर्ड हेयर सो इज द कंजंक्शन वर्ड हेयर सो में रीजन हम पहले लिखते हैं एंड इन बिकॉज वी राइट द रीजन एट द इन द सेकेंड पार्ट ऑफ देंटेंस ओके नाउ वी हैव देयर इज द फर्स्ट वर्ड दैट इज यूज ऑफ इफ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डूरिंग द क्लास टूडे इफ इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रांग कंडीशन यानी एक शर्त रखने के लिए इफ़ का हम यूज़ करते किसी भी सिचुएशन पे हम कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं देन वी विल व्हेन वी पुट कंडीशन एनी कंडीशन शर्त रखते हैं वी कैन से दैट वी विल यूज़ इफ एज द जॉइनिंग वर्ड जिसका मीनिंग होता है अगर लाइक इफ आई विन इफ आई वर्क हार्ड मैं जीत जाऊंगा अगर मैं मेहनत करूंगा तो यानी जीतने के लिए मेरी कंडीशन क्या है शर्त क्या है जीतने की कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है राम विल स्पीक विद श्याम राम श्याम के साथ बोलेगा बात करेगा इफ श्याम से सॉरी अगर श्याम क्या बोलता है सॉरी तो राम के जीतने की कंडीशन सॉरी uh, शाम के साथ बोलने की कंडीशन क्या है वट इज़ द कंडीशन फॉर राम स्पीकिंग विद श्याम इट इज़ श्याम हैव टू से सॉरी अगर श्याम सॉरी बोलेगा सो हेयर वी हैव यूज इफ अगर ये करेगा तो वो करूँगा लाइक आई विल टीच यू इफ यू विल बी इन प्रॉपर डिसिप्लिन अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे मैं आपको टीच करूँगी अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपकी कंडीशन क्या है आपको टीच करने की मेरी दैट यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन आपको किस में रहना पड़ेगा डिसिप्लिन में ओके okay? सो so, राम सो वेन एवर वी आर एक्सप्रेसिंग एनी कंडीशन जहाँ पर हम शर्त रखते हैं वी यूज इफ एज द कंजंक्शन वर्ड एज द ज्वाइनिंग वर्ड नेक्स्ट इज़ और वी हैव ऑलरेडी डन द यूज़ ऑफ और ड्यूरिंग द क्लास दैट इज़ और इज़ यूज बिफोर एन अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन चॉइस ठीक है मीन्स टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स जब हमें दो चीज़ों के बीच में चुनना होता है चॉइस करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं और का यूज़ करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी मैं या तो चाय लूँगा या तो कॉफ़ी यानी दोनों में से एक चीज़ Do you like sandwich or pastry? Sandwich, S-A-N-D is silent here. Sandwich or pastry. You will sandwich or pastry. So, or is used between two things when there is a choice given. Okay. Next is till. Till is used to show condition with time. Okay. टिल कब यूज़ होता है कंडीशन विद टाइम शर्त रखने के लिए जैसे इफ में रखते हैं हम शर्त बट विद टाइम यानी जो शर्त हम रखेंगे वो टाइम से रिलेट करेगी ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टे विद यू मैं तुम्हारे साथ रहूँगा टिल यू और पेरेंट्स कम जब तक तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे मीन्स मैं तुम्हारे साथ उस टाइम तक रहूँगा टिल दैट टाइम वेन योर पेरेंट्स कम मतलब जब आपके पेरेंट्स आएंगे जब तक यानी टाइम शो करा है इनडली टाइम डायरेक्टली टाइम शो नहीं कर रहा है बट इट इज इनडायरेक्टली शोइंग द टाइम सो यूज़ ऑफ टिल इज टू शो कंडीशन कंडीशन को शो करने के लिए शर्त रखने के लिए विद टाइम टाइम के साथ जो इनडली और डायरेक्टली क्या शो करेगा आपका टाइम दिस विल ऑल्सो शो टाइम फॉर एग्जाम्पल आई विल कुक फॉर यू मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी टिल यू प्ले जब तक तुम खेल रहे हो या खेलते हो यानी जब तक तुम खेल कर आओगे मैं क्या बना दूंगी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी टाइम शो कर दिया ना कब तक बनाएंगे खाना जब तक वो खेल रहा है ठीक है खेल के आ रहा है तो वहां पे इनडायरेक्टली टाइम शो हो रहा है का टाइम खाना बनाने का टाइम कौन सा जब उसका खेल लेगा टाइम है ओके सो टिल इज यूज विद कंडीशन सॉरी टू शो कंडीशन विद टाइम वेर वेर इज यूज टू शो प्लेस और सिचुएशंस वेर किस लिए यूज होता है प्लेस को शो करने के लिए और सिचुएशंस को शो करने के लिए ठीक है जहा जिसका मीनिंग होता है जहां दीज ब्यूटिफुल इंसेक्ट्स आर फाउंड वेर देर इज मोर वाटर ये ब्यूटीफुल इंसेक्ट कहा मिलते हैं जिस जगह पे पानी ज्यादा होता है इनडायरेक्टली प्लेस शो कर रहा है आई सॉ द बिल्डिंग वेर ही लिव्स मैंने वो बिल्डिंग देखी है वेर लिव्स जहाँ पे वो रहता है इनडायरेक्टली प्लेस शो कर ठीक है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जहाँ पे प्लेस शो करता है वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे वेर अब ब्यूटिफल इनसे कहीं ना कहीं रहती है ना वेर देयर इज़ मोर वाटर जहाँ पे पानी ज़्यादा है जहाँ ठीक है गॉट इट सो नेक्स्ट इज अनलेस अब अनलेस का यूज किस लिए होता है अनलेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अनलेस इज़ यूज इन नेगेटिव वे जिसके अनलेस के मीनिंग ही होता है जब तक कि नहीं इट इज़ यूज इन अ नेगेटिव वे द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिप्रेजेंट दिस नेगेटिव कंडीशन ओके फॉर टू टेल अबाउट द सिचुएशन सिचुएशन के बारे में बताने के लिए स्थिति के बारे में बताने के लिए इन अ नेगेटिव वे किस वे में नेगेटिव वे में यू विल बी सिक तुम बीमार हो जाओगे अनलेस यू स्टॉप ईटिंग जब तक तुम खाना बंद नहीं करोगे ठीक है यू विल नॉट गेट हाई स्कोर तुम्हारे हाई स्कोर नहीं आएंगे अनलेस यू वर्क आउट जब तक तुम वर्क आउट नहीं करोगे ठीक है यू विल नॉट गेट एन ईजी पेपर अनलेस यू कम्प्लीट योर होमवर्क मतलब तुम्हें पेपर ईजी नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारा हमार, तुम्हारा होमवर्क कम्प्लीट नहीं करोगे सी अनलेस के बाद हमने जो सेकेंड पार्ट और सेंटेंस का द इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी आर योर नॉट यूजिंग नॉट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड नॉट ए नोटी नॉट हमने कहीं भी सेकेंड पार्ट में यूज नहीं किया बट सेकेंड पार्ट में जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं वी आर यूजिंग द वर्ड नहीं अनलेस का मीनिंग अपने आप में नेगेटिव होता है ठीक है अनलेस मीन्स नॉट अपने आप आ रहा है उस सेंटेंस में ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज सो सो का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू शो रीजन एंड द रीजन इज रिटर्न एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक शूज इ सो शिडल इन कम टू स्कूल वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शिडल इन कम टू स्कूल बिकॉज शू वज इल बिकॉज में सेंटेंस रीजन सेकेंड पार्ट में शिफ्ट हो जाता है एंड सो so में सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में रीज़न होता है ठीक है आई फॉल फ्रॉम दी बेड सो आई कुडेंट गेट अप मैं बेड से गिर गया इसलिए मैं नहीं उठ पाया आई कुडन गेट अप बिकॉज आई फॉल फ्रॉम द बेड सो एंड बिकॉज दोनों का यूज होता है टू शो रीजन कारण बताने के लिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई वायल वाइल यूज ऑफ वायल इज एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग मीन्स सेम टाइम पे अगर कोई दो पैरल चीजें चल रही हैं ठीक है सेम टाइम पे दो साइमल्टेनियसली टू वर्क्स आर गोइंग ऑन दैट टाइम वी यूज While एज कंजक्शन तो उन दो सेंटेंसेस को उस टाइप के दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं वी यूज वाइल आई एम प्लेइंग वाइल माई ब्रदर इज स्टडिंग मैं खेल रहा हूँ जबकि मेरा भाई क्या कर रहा है पढ़ रहा है सेम टाइम पे उसी टाइम पे मैं खेल रहा हूँ उसी टाइम पे भैया स्टडी कर रहे हैं सेम टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं तो दोनों सेंटेंसेस को हम क्या यूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए वाइल्ड राम इज गोइंग राम जा रहा है वाइल्ड सीता इज कोकिंग फॉर जबकि सीता उसके लिए खाना बना रही है ठीक है सेम टाइम पे काम चल रहा है तो वाइल यूज करेंगे और जब एक काम अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है एंड एक काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है और नेक्स्ट काम अभी अभी स्टार्ट हुआ है दैट वी विल यूज़ वेन और वेन का यूज़ जो है वो आपको मैं एक और वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग द बिफोर द हाफ ईयरली एग्जाम यूज़ ऑफ वेन ओके बट आई शेयर द पी पी टी वीडियो Of you by use showing the use of when not the video PPT. Okay. Now I hope you got it. Now what you have to do as homework? You have to write two sentences by using each word. That is, if by using if you have to write two sentences, by using or you have to write two sentences by using till two sentences, where two sentences, unless two sentences and so and while two, two sentences, each word with each word. Okay. On your own. Remember, don't copy from the Google. Okay. I know that who can copy and who cannot, or I can match the sentences. Okay. So you have to form your own sentences from each word, two sentences. Okay. So there will be total of 14 sentences will be there okay so everyone have to uh, form these sentences also you have to do the question given on page number 107 in notebook okay by of joining word question number 3 page number 107 i hope you got it if you feel any kind of doubt you can ask me in the next class okay see you all in school bye bye take care okay